हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देख सकते हो आप मेरे पीछे कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ पे हूँ। रुको यार, मैं बता देता हूँ। वैसे हम लोग यहाँ पे कल आया था शाम को, और यहाँ पे आते आते रात हो गया यार। वाह, यहाँ पे ना ही नेटवर्क है, ना ही गाड़ी आ सकता है। पैदल से आना पड़ेगा, मेन रोड से देहात तक पैदल से आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वहाँ यहाँ पर आया है वाटरफॉल देखने के लिए। लेकिन अभी तक हम लोग वाटरफॉल, जहाँ पर वाटरफॉल है ना, वहाँ तक पहुँचा नहीं है। आज पहुंच जाएंगे शायद, तो कल वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए सॉरी। मैं जब यहाँ से जाऊंगा ना, उस टाइम में वीडियो बनाऊंगा कि मैं कहाँ से आया, कहाँ से आया। तो आज का वीडियो यहाँ बस्ती से शुरू करता है। यहाँ बस्ती में ना ही नेटवर्क है, ना ही यहाँ का लोकेशन मिलेगा आप लोगों को मैप में। कोई बात नहीं, वीडियो को आज शुरू करते हैं चलो, और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। यहाँ का व्यू वैसे देखो कितना बढ़िया आ रहा है, कितना बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ पे यार। चलो शुरू करते हैं, शुरू तो करना पड़ेगा। तो है गाइस, कल रात हम लोग इस बस्ती पे रुका हुआ था। वो घर देख सकते हो मेरे पीछे, वहाँ पे हम लोग रात गुजर रहा था। देखो यहाँ का बस्ती, और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले। सब तैयारी हो चुका है, खाना वाना भी हम लोग ने खा लिया है। और वैसे हम लोग तीन आदमी जाने वाला है। एक आदमी जो यहाँ घर का मालिक है, वो भी हम लोग के साथ जाने वाला है। वो हम लोग दिखाएंगे कहाँ पे है, कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, वो ही हम लोगों को गाइड करेंगे। तो चलो चलते हैं। जाने से पहले यहाँ का सीन में दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हो आप लोग, वहाँ पे भी बस्ती है। और इस तरफ देखो, वहाँ ऊपर में भी और घर है। अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ। यहाँ पे ना ही गाड़ी आ सकता है, ना ही बाइक आ सकता है, पैदल से जाना पड़ेगा, पैदल से आना पड़ेगा, ना ही नेटवर्क है। तो चलो चलते हैं, पैदल का मजा लेते हैं। सो गाइस, देखते रहना वीडियो में, बने रहना। हम लोग आज पूरा वीडियो में धमाका करने वाला है। तो चलो गाइस, हम लोग अभी जा रहा है। देख सकते हो आप अपने मेरे पीछे भी देख सकते हो कितना बढ़िया नदी है। लेकिन अभी तो बारिश नहीं है, इसलिए पानी कम हो गया है। अभी जा देखो, मैं बैग लेके आया हूँ एक, और वहाँ पे सब जरूरी सामान है बैग के अंदर पे। तो चलो देखते रहो वीडियो में बने रहो। कुछ बोलना चाह रही है? हाँ वही तो, वीडियो में बने रहना और देखते रहना, क्योंकि आप हम लोग ना जाने वाले नदी में इसका मजाक तो खत्म नहीं होने वाला है। देखो गाइस, रास्ता किसा है, देख सकते हैं आप लोग, बड़ा बड़ा पत्थर है। और यहाँ में बहुत जंगल है, बड़ा जंगल है। पहाड़ का रास्ता गाइस, पहाड़ का। देख सकते हो गाइस, अभी के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना। आप लोगों से एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो सुनना ध्यान से। जो भाई हम लोगों को गाइड करने वाला है ना, उनसे हम लोग सुबह को बहुत सारी ढेर सारी बातें किया, और इस बस्ती के बारे में भी ढेर सारी बातें किया। और सुन के बहुत दुख लगा यार, क्योंकि यहाँ बस्ती में ना ही बिजली है, ना ही सड़क है, और बच्चे लोग नहीं अच्छे से पढ़ पाता है। मतलब
जो सुन के ना दिल को बुरा लग गया यार, क्योंकि देखो यार उन लोगों को जब सामान लेना के लिए जाता है वो लोग इतना तकलीफ होता है भाई, कैसे बोलो, वो लोग इतना तकलीफ होता है जाने के लिए, क्योंकि ना ही सड़क है, ना गाड़ी आ सकता है, ना जा सकता है, वो लोग पैदल से जाता है, वो इतना दूर है जाने के लिए, ये कुछ लेने के लिए, क्या बोलूँ भाई। और जब लोगों को बीमार होता है कुछ, मतलब होता है ना जो इंसान में, इंसानियों में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है ज़िंदगी में, तब उन लोग कितना मुश्किल होता होगा। यहाँ बस्ती में बूढ़ी औरत, बुढ़ा लोग, बुढ़ी लोग भी बहुत है, उन लोग जब बीमार होता है तो जब बाजार जाता है तो बहुत तकलीफ होता है यार। हम लोगों ने बताया, दिल से दुख लगा यार, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाओ ताकि सब लोग को तक पहुंच सके, बराबर टुकड़े टुकड़े करके ये वीडियो को फैला देना भाई, ताकि सब लोगों तक पहुंच सके। बड़े बड़े यूट्यूबर लोग है, बड़े बड़े लोग है, बड़े बड़े मंत्री सब, जो सब लोग होते हैं ना, सब तक पहुंच सके और जहाँ यहाँ पे, यहाँ बस्ती पे मदद आ सके, सड़क बन सके, और जो जो बच्चे लोग भी अच्छा से पढ़ नहीं सकते वो लोग भी पढ़ सके, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है यार। आजकल का जनरेशन में बिना पढ़ना लिखना नहीं होता है तो क्या होता है लोगों का। तो मैं चाहता हूँ, स्कूल तो है यहाँ पे, लेकिन ठीक से पढ़ नहीं पाता है वो लोग, क्योंकि जब बारिशा के समय पे बारा पानी हो जाता है तो जब मिस सड़क कैसे आएगा, वो लोग भी पैदल से आता होगा शायद इतना तकलीफ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये सड़क बन जाए, बिजली आ जाए और अच्छे से लोग पढ़ सके, बस यही चाहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा से फैलाओ ताकि मंत्री लोगों तक पहुंच सके, मोदी, खास करके मोदी तक पहुंच सके, मोदी, नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच जाएगी तो मैं, मुझे यकीन है कि मदद तो ज़रूर आएगी। तो शेयर करना इस वीडियो को ताकि लोगों को मदद मिल सके, यहाँ की लोगों को। हो कितना बढ़िया है जगह पे यार, देख सकते हो यहाँ का जगह कितना बढ़िया है, बढ़िया है ना यार। मुझे भी तो अच्छा ही लग रहा है यार, बम्बू ही बम्बू, बम्बू का बगान देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो चलो काश देखो बम्बू के बगान, बस यहाँ पे बम्बू ही बम्बू नजर आएगी आप लोगों को, चार गुना खास तरफ भी कुछ भी नजर नहीं आ रही है, रास्ता बहुत लंबा छोटा है ये जगह, बस बम्बू ही बम्बू। गाइस काफ़ी चलने के बावजूद अभी तक जगह पहुंचने का नाम ही नहीं ले रहे, और ये ऊपर से भाई कह रहा है कि बहुत दूर है अभी तक, तो आधा रास्ता, बस आधा रास्ता तक भी नहीं पहुंचा, पता नहीं यार ये डरा रहा है कि ये सच बोल रहा है, पता नहीं। लोग मेरा हालत, मेरा पसीना देख के पता चल गया होगा कि मेरा पूरा फुल टाइट हो गया है। गाइस सारे लोग पूरे थक चुके हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज वाटरफॉल तक नहीं जाएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाएंगे
वाटरफॉल तक। आज यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, वैसे भूख भी बहुत लग चुके हैं सारे लोगों को भी और मुझे भी। और यहाँ पे एक घर जैसा बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, तो वहीं पे हम लोग आज रुकेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वाटरफॉल दिखाएंगे आप लोगों को भी। तो मैंने कहा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो प्लीज़ शेयर करना ताकि सब लोगों तक पहुँच सके और खास करके वो बस्ती लोगों को मदद मिल सके। तो चलो वो घर में आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ पे हम लोग आज रात रुकने वाले हैं। अभी 3 बज चुका है शाम का, इसलिए हम लोग और आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बाद में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे तो एक घर मिल चुका है, और आगे जाएंगे तो अंधेरा भी हो जाएंगे, फिर उसके बाद घर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग टेंट वगैरह कुछ भी नहीं लेके आया क्योंकि बहुत दूर है यार। तो वीडियो को फैला देना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक अच्छे से रहना। जय हिंद, जय भारत। Read the ice color.